आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। जानिए किस तरह हुए थे न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज प्रकट। चित्रगुप्त महाराज के पुत्रों का उपनाम कैसे पड़ा इसकी कथा जानिए। आप देख सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। कायस्थ वंश के लोग श्रीवास्तव वर्मा अर्गल माथुर गौर भटनागर सक्सेना खरे न जाने कितने उपनाम से पहचाने जाते हैं। पर क्या आपको पता है कि न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज के पुत्रों के उपनाम जिसे अंग्रेजी में सरनेम कहा जाता है कैसे पड़े। आइए आज हम आपको इसकी कथा बताते हैं। अगर आप भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज जी की आराधना करते हैं और अगर आप भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय चित्रगुप्त देवा जय श्री चित्रगुप्त महाराज लिखना न भूली। सनातन परंपरा में दीपावली के आखिरी दिन न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज पूजा की जाती है। न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज को यमराज धर्मराज जी के लेखाकार या मुंशी माना जाता है, जो कि सभी प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले माने जाते हैं। हर साल भाई दूज के दिन ही न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज पूजा मनाई जाती है। इस दिन को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज की पूजा की जाती है। न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज जी का जन्म ब्रह्मा जी के अंश से हुआ है। वह उनकी काया से उत्पन्न हुए थे इसलिए कायस्थ कहला। इसी तरह उनकी संतानों के जरिए जो वंश आगे बढ़ा और जो जाति बनी वह कायस्थ कहला। न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज जी की जन्म कथा भी अद्भुत है। जानकार विद्वानों के अनुसार परम सत्ता के आदेश पर सृष्टि की रचना के बाद भगवान ब्रह्मा जी ने धर्मराज यमराज जी को आदेश दिया कि वह जीवों को उनके कर्म के आधार पर फल प्रदान करे। इस पर यमराज जी ने ब्रह्मा जी से विनती की कि हे भगवान आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, मैं अपनी क्षमता के अनुसार इसका पालन करूँगा, लेकिन पूरी सृष्टि में जीव और उनकी देह अनंत है। देश काल ज्ञात अज्ञात आदि भेदों से कर्म भी अनंत है। उनमें कर्ता ने कितने किए कितने भोगे कितने शेष है और कैसा उनका भोग है तथा इन कर्मों के भी मुख्य व गौण भेद से अनेक हो जाते हैं। साथ ही कर्ता ने कैसे किया स्वयं किया या दूसरे की प्रेरणा से किया आदि कर्म चक्र महाघन है। आत्मैं अकेला किस प्रकार इस भार को उठा सकूंगा, इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सहायक दीजिए जो शीघ्रकारी धार्मिक न्यायकर्ता बुद्धिमान लेख कर्म में अग्रणी चमत्कारी तपस्वी ब्रह्मानिष्ठ और वेद शास्त्र का ज्ञाता। धर्मराज यमराज महाराज की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उनकी आवश्यकता को समझते हुए उन्हें ऐसा सहयोगी देने की बात कही। इसके बाद ब्रह्मा जी तपस्या में लीन हो गए। जब 1000 साल की तपस्या के बाद उन्होंने आंखें खोली तो सामने एक दैवीय आभा मंडल से युक्त एक पुरुष को देखा जिनके हाथ में कलम और दवात। ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? इस पर वह दैवीय पुरुष बोले हे देव मैं आपके शरीर से प्रकट हुआ हूँ, इसलिए आप ही मुझे कोई नाम दीजिए, साथ ही मुझे आदेश दे कि मुझे क्या करना है। इस पर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले कि तुम मेरे शरीर से प्रकटे हो इसलिए तुम्हारा नाम कायस्थ न्याय के देवता धर्मराज चित्रगुप्त है। तुम प्राणी मात्र के कर्मों का लेखा जोखा रखने में धर्मराज यमराज जी का सहयोग करोगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा से न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज यमलोक के राजा यमराज जी के प्रमुख सहायक बने। फिर ऋषि सुशर्मा की पुत्री इरावती से उनका विवाह हुआ। इरावती से इनके 8 पुत्र हुए। इनका दूसरा विवाह मनु की पुत्री दक्षिणा से हुआ। इनसे भगवान न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। भगवान न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज के ये सभी 12 पुत्र पृथ्वी लोक पर बसे। इनके नाम चारु सुचारु चित्र मतिमान हिमवान चित्रचारु अरुण अतीन्द्रिय भानु विभानु विश्व भानु और वीरियावान है। चारु मथुराजी गए इसलिए वह माथुर कहला। सुचारू गौर बंगाले गए इसलिए वह गौर कहला। चित्र ने भी नदी के किनारे वास किया इसलिए वह भटनागर कहला। भानु श्रीवास नगर में बसे इसलिए श्रीवास्तव कहला।
इस प्रकार भगवान न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज के जिस पुत्र ने जिस जगह निवास किया उनके नाम के साथ जगह का नाम जुड़ गया और इसी तरह कायस्थ समाज की उत्पत्ति हुई। जानिए न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज जी की जन्म कथा। पुराणों में वर्णित है कि सृष्टि के निर्माण के उद्देश्य से जब भगवान विष्णु ने अपनी योग माया से सृष्टि की कल्पना की तो उनकी नाभि से एक कमल निकला जिस पर एक पुरुष आसीन था। ये ब्रह्मा जी कहला। इन्होंने सृष्टि की रचना के क्रम में देव असुर गंधर्व अप्सरा स्त्री पुरुष पशु पक्षी को जन्म दिए। इसी क्रम में यमराज जी का भी उदय हुआ जिन्हें धर्मराज की संज्ञा प्राप्त हुई क्योंकि धर्मानुसार उन्हें जीवों को सजा देने का कार्य प्राप्त हुआ था। धर्मराज ने जब एक योग्य सहयोगी की मांग ब्रह्मा जी से की तो ब्रह्मा जी ध्यानलीन हो गए और 1000 वर्ष की तपस्या के बाद एक पुरुष उत्पन्न हुआ। इस पुरुष का जन्म ब्रह्मा जी की काया से हुआ था आत ये कायस्थ कहलाए और इनका नाम न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज पड़ा। जानिए यह है न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज पूजा का प्रभाव। न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज जी के हाथों में कर्म की किताब कलम दवात और करवाल है। ये कुशल लेखक है और इनकी लेखनी से जीवों को उनके कर्मों के अनुसार न्याय मिलती है। कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि को भगवान न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज की पूजा का विधान है। इस दिन भगवान न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज और यमराज की मूर्ति स्थापित करके अथवा उनकी तस्वीर रखकर श्रद्धा पूर्वक सभी प्रकार से फूल अक्षत कुमकुम सिंदूर एवं भांति भांति के पकवान मिष्ठान एवं नैवेद्य सहित इनकी पूजा करें और फिर जाने अनजाने हुए अपराधों के लिए इनसे क्षमा याचना करें। यमराज और न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज की पूजा एवं उनसे अपने बुरे कर्मों के लिए क्षमा मांगने से नरक का फल भोगना नहीं पड़ता है। हरि ओम। अगर आप भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज जी की आराधना करते हैं और अगर आप भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय चित्रगुप्त देवा जय श्री चित्रगुप्त महाराज लिखना न भूलें। यहाँ बताए गए उपाय लाभ सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों ज्योतिषियों पंचांग प्रवचनों मान्यताओं धर्म ग्रंथों दंत कथाओं किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।